जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, मैथ्स गुरु उदय सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। करा द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव ओनली। करा दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे कब? तो एक काम करते हैं, हम ए बी सी की वैल्यू लेट कर लेते हैं जिससे आसानी से रूट्स को निकाला जा सके। चलिएगा, यहाँ पे सिर्फ चिन्हों की बात हो रही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a = 1 ले लें, b = 2 ले लें और c = क्या ले लें, 3 ले लें। अभी हमने तीनों के साइन सेम लिए हैं, और नहीं नहीं सी की जगह पे भी एक लीजिए, एक ले लीजिए, सी की जगह पे भी हमने एक लिया। तो अब देखिए, अगर तीनों के साइन सेम हैं, यानी कि प्लस के दो तीनों लेने हैं, यानी चलो इसको ए को एक ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 एक ले लेते हैं, तीनों के साइन हमने प्लस के लिए हैं। तब देखते हैं कि हमारे पास क्या आने वाला है। इक्वेशन को कन्वर्ट किया जाए, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू 2 रखेंगे, सी की वैल्यू 1 रखेंगे = 0। तो यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, x + 1 का होल स्क्वायर, और x के हमारे पास 2 मान आएंगे, -1 -1। मतलब कहने का ये कि अगर ए बी सी के साइन सेम हैं, सभी के चिन्ह बराबर हैं, एक ही चिन्ह लिए गए हैं, तो क्या होंगे वो सेम साइन, अगर वो रूट जो होंगे वो निगेटिव देगा। मतलब निगेटिव रूट्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। चलिएगा फिर आगे क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है a and c are same sign, बट साइन यहां पे फाइन ऑफ बी इज अपोजिट। बी क्या है, अपोजिट। चलो ए को हम सेम ले लेते हैं, a = 1 ही लीजिए, बी का साइन बदल दीजिए, सी अपोजिट कर दीजिए, अगर यहां पे प्लस है तो यहां माइनस कर दीजिए, सी का साइन कितना कर दीजिए, उसका भी वही, ए और सी के साइन सेम है तो उनको सेम रहने दीजिए, कर दिया। अब एक क्वेश्चन देखिए क्या बनेगी हमारी, रखा जाए वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है -2, सी का वैल्यू है 1 = 0। तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, और इस कंडीशन में हमारे पास x के 2 रूट आएंगे और दोनों पॉजिटिव होंगे, 1, 1, 1, 1। हमको दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए थे, तो दोनों रूट पॉजिटिव कब आ गए, बी वाली कंडीशन में पॉजिटिव आ गए, सी वाली को भी देख लिया जाए, हो सकता मिसमैच करें। कह रहा है बी और सी आर द सेम साइन, बी और सी के साइन सेम है। अब यहाँ पे बी और सी के साइन सेम है, कर दीजिए बी और सी के साइन सेम कर दीजिए, एक अलग कर दीजिए, मान लीजिए a = आप ले लो 1, ठीक है, और b = -2 ले लीजिए, और c = -1 ले लीजिए। अब देखिए इक्वेशन क्या कन्वर्ट होके आती है, ये आ जाएगी x² - 2x - 1 = 0। निकाल दिया जाए, पहले यहाँ d निकाल के देख लिया जाए, संयुक्त कर निकाल लेते हैं, तो d = कितना हो जाएगा, √b² - 4ac, b² - 4ac, तो 4 माइनस का हो जाएगा 4 और इंटू ये माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, b² - 4ac। रूट क्यों लगा रखा हमने, b² - 4ac, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अब हमारे पास 8, है ना। तो मतलब यहाँ पे भी जो मान होंगे, यहाँ पे भी होंगे जो रूट्स, वो निकाले जा सकते हैं, है ना, रूट्स को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। b² हो गया हमारा -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी, -1 है, 8 है, ये रूट्स को भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। चलिएगा इसके बाद अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बना के निकालेंगे, लेकिन जो वर्ग जो आएंगे रूट्स वो अलग अलग आएंगे। तो बी वाली कंडीशंस में क्या होगा हमारे, है ना, ये क्या होगा, इसमें प्लस माइनस के आ जाएंगे दोनों अलग अलग। तो बी वाली कंडीशन क्या है, जो कह रही है कि सिर्फ हमको पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव कब होंगे, जब क्या हो, ए और सी के साइन सेम हो, बी का साइन क्या हो, अलग हो, तब दोनों रूट हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, यानी कि पहले में जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर दो कह रहा था, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज बोथ रूट्स निगेटिव, दोनों रूट हमको निगेटिव चाहिए। अभी आपने पढ़ा था कि जब ए बी सी के साइन सेम थे तब आपको दोनों रूट क्या मिले थे, निगेटिव मिले थे। तो दोनों रूट निगेटिव कब होंगे, जब दोनों के साइन क्या हों, सेम हों। जैसे कि आप लेट कर लो वही सेम, ए बराबर वन, बी बराबर टू और सी बराबर वन, तो देखिएगा सेम साइन ले लिया हमने सभी के, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट होके क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और ये बन जाएगा हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स बराबर माइनस वन और दूसरा रूट भी माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, अगर हमको निगेटिव रूट्स चाहिए दोनों तो हमें क्या करना होगा, ए बी सी के सेम साइन लेने पड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, देखिएगा यहां पे अल्फा प्लस, मान लीजिए कि इसके दो रूट हैं, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस का दो। अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई ए, यानी कि माइनस का पी। तो देखिएगा यहां पे क्या दिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट, है ना, यानी कि मूलों के वर्गों का योग हमको दिया है वो 10 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिएगा अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, दोनों वैल्यू रख देंगे, रखा जाए। लेकिन इसे हम कन्वर्ट करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इक्वल टू 10। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू अल्फा बीटा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास यही बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, माइनस दो का वर्ग आ जाएगा 4 माइनस टू इंटू ये हो जाएगा माइनस का पी और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अच्छा ये आ गया 2p बराबर 10 में 4 घटा दीजिए 6 आ जाएगा और p बराबर कितना आ जाएगा, 3। p का मान कितना आया, 3, यानी कि तीसरे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे में जो b वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। कह रहा था वैल्यू ऑफ द के, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइड द रिलेशन, अच्छा इस रिलेशन को वो सेटिस्फाइड करें, रिलेशन क्या दिया गया है हमको, हमको दिया गया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 6 माइनस का बी बाई ए, यहाँ माइनस का 6 है तो बी आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, किसी एक को हटा दिया जाए, अच्छा मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, यानी कि के हो जाएगा। एक काम करते हैं, 3 से गुणा कर दीजिए, क्या करिए इस इक्वेशन को, नीचे वाली को 3 से गुणा करिए और घटा दीजिए, 3 से गुणा करने के बाद इसे घटा दिया जाए, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो इन दोनों को काट देंगे, ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ माइनस का बीटा बचेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 माइनस 18 का मतलब क्या हो गया, 2 बचा, यानी कि बीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2, बीटा इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ रखिएगा माइनस का 2 उधर 6, 2 8 हो जाएगा, बीटा का मान, अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 8। हमको क्या निकालना है, अब हमें निकालना अल्फा इंटू बीटा बराबर के, तो निकालते हैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है और बीटा की वैल्यू माइनस का 2 दी गई है इक्वल टू के, यानी कि k का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 16। तो चौथे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। कह रहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि इस रूट रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना दिया गया है, डिफर बाई यूनिटी, यूनिटी मतलब कह रहा है कि मूलों में जो अंतर है वो कितना है, यूनिटी है, इकाई है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना, 1।
अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना, वन। अच्छा, यहाँ से निकाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर हो जाएगा पी। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू, है ना। अब निकाल लिया जाए, हमें रिलेशन चाहिए, अल्फा माइनस बीटा को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर निकालना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का चार अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस चार अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख दिया जाए, ये वन हो जाएगा। ये आ जाएगा वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का चार क्यू, है ना। इसको इधर भेज दिया जाए, ये हो जाएगा वन प्लस चार क्यू बराबर पी स्क्वायर। ये रिश्ता आ गया, है ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस फोर क्यू। तो चौथे पांचवें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवें का जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है ना इस इक्वेशन के रूट हैं, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिएगा, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, तीन मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस 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 तीन बटा एक, तो ये आ गया। मूलों का गुणनफल निकाल लिया जाए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी जाए, यहाँ पे देखो अल्फा की जगह पे हम टू बीटा रख सकते हैं, रख दीजिए टू बीटा प्लस बीटा इक्वल टू थ्री, थ्री बीटा इक्वल टू थ्री, यानी कि बीटा बराबर आ गया कितना, वन आ गया। बीटा की वैल्यू हमको वन मिल गई, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर इन्होंने टू बीटा दिया है, तो ये टू इंटू वन हो जाएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू वन आ गया, बीटा का वैल्यू वन आ गया, ओ सॉरी, हाँ दोनों वन वन आ गए, टू आ गए। इसका वैल्यू कितना आएगा, टू आएगा भाई, दो इकन्नम दो, टू आएगा, टू। अब हमको क्या वैल्यू निकालनी, हमको वैल्यू निकालनी है अल्फा के की वैल्यू। तो अल्फा का मान रख दिया जाए कितना, दो गुड़े एक बराबर के, यानी कि के बराबर कितना मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। के का मान कितना मिल जाएगा, दो। तो छठे में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, छठे में जो ए वाला विकल्प है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे सात। क्वेश्चन नंबर सात कराए द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब देखिएगा दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम है। एक बात याद रखेंगे, हमारी इक्वेशन क्या दी गई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब भी हमसे कहेगा कि ये रूट्स जो है ना वो रेसिप्रोकल हैं, कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं यानी कि व्युत्क्रम हैं, तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे पुट कर देना है क्या, वन अपान एक्स। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख देना है, एक बटे एक्स। जब भी कहेगा कि जिसके रूट्स दिए गए हैं ना वो व्युत्क्रम हैं, तो व्युत्क्रम रूट्स के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह पे वन बटे एक्स रख देंगे, रख दीजिए यहाँ पे। तो अब देखिएगा कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा ए बटे में एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। चलिएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। यानी कि इसे लिखा जा सकता है सी एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन ए इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन की कंपेरिजन करिए। जब हमने रेसिप्रोकल रूट्स बनाए, रेसिप्रोकल रूट्स वाला इक्वेशन बनाया, तो हुआ क्या, ए और सी दोनों क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, और सी और ए दोनों चेंज हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रेसिप्रोकल के लिए ए बराबर सी होना चाहिए या सी बराबर ए होना चाहिए, दोनों एक ही बातें हैं। देखिए बी यहाँ भी वही सेम था, बी यहाँ भी सेम था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ए की जगह पे सी, मतलब ए बराबर सी होना चाहिए और सी बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तब दोनों के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवें का जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आठ। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो प्रोडक्ट है, रूट का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, सात दिया गया है। देखिएगा आपने पढ़ा होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए।
तो सी देखना कितना दिया है, अचर पद कितना दिया है हमारा यहाँ पे, ये सात दिया गया, प्रोडक्ट कितना दिया गया सात, इक्वल टू ये दिया गया टू, और ई की पावर में दिया गया है टू लॉग के माइनस वन, माइनस के वन को इधर जोड़ दिया जाए तो यह आ जाएगा आठ बराबर दो इंटू ई की पावर में टू लॉग के, ठीक है, काट दिया जाए दो इकन्नम दो, दो चौको आठ हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा e की पावर में, देखो इधर टू है या पिंटू में ना, इसको ऊपर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, एक ये हो जाएगा हमारा log e, और ये आ जाएगा k की पावर टू इक्वल टू में फोर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन, तो कितना बचा ये k स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, यानी कि k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस टू, है ना, चूंकि ये log के साथ है, log के साथ नेगेटिव नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए क्या होगा सिर्फ k इज इक्वल टू हमें क्या लेना होगा प्लस टू लेना होगा, है ना, माइनस को छोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आठवें में बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो देखिएगा दो काम करेंगे, एक यहां पे हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे जो कि कितना आ जाएगा माइनस चार बटे माइनस माइनस चार बटे दो, यानी कि ये आने वाला है माइनस का माइनस चार बटे दो, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी ये दो आ जाएगी, अच्छा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए वन बाई टू हो गया। हमें क्या चाहिए, अब आप निकाल लीजिए यहाँ पे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो नीचे आएगा और वो वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये रख दीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखिए दो का वर्ग कितना हो जाएगा चार माइनस दो गुणे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दो, दोनों को काट दिया जाए चार माइनस एक बराबर कितना आ जाएगा तीन। अब देखिए जिसकी वैल्यू निकालना है वो वैल्यू निकाली जाए, हमें वैल्यू किसकी निकालना है वन अपान अल्फा प्लस टू बीटा प्लस वन अपान बीटा प्लस टू अल्फा, एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर प्लस चार अल्फा बीटा, नीचे आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा बीटा प्लस टू अल्फा, अल्फा प्लस टू बीटा, दो तो अल्फा यानी कि तीन अल्फा ये हो जाएंगे तीन बीटा हो जाएंगे, तीन को ले लेना कॉमन, तो ऊपर कितना आ जाएगा इनको जोड़ने पे तीन इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तीन, तो ये हो जाएगा तीन गुणे दो बटे, देखिएगा यहाँ पे अल्फा बीटा एक अल्फा बीटा ये हैं चार अल्फा बीटा ये हैं मिला के पाँच अल्फा बीटा हो गया, तो ये हो गया पाँच अल्फा बीटा, तो पाँच गुणे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है एक बटा दो, ये यहाँ पे रखी हुई है, फिर क्या है प्लस दो को बाहर कर लीजिए दो इनमें कॉमन लेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दो, तीन दी गई है, ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा छः बटे में पाँच बटे दो प्लस का कितना छः, तो ये कितना आ जाएगा अब दो ऊपर चला जाएगा छः दूनी बारह हो जाएगा, और नीचे छः दूनी बारह प्लस पाँच सत्रह हो जाएगा, है ना, तो बारह बटे सत्रह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा नौवें का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बारह बटे सत्रह इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे दस, क्वेश्चन नंबर दस एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली है इसे समझना जरूर पड़ेगा, कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ, है ना, ठीक है बेहतरीन क्वेश्चन समझने की कोशिश, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के जो रेशियो है रूट्स का, तो एक काम करते हैं इनका जो है ना रेशियो लेट कर लीजिए कि इनके रूट्स का जो रेशियो है ना वन लेमडा अपान वन है, है ना, हमने लेट कर लिया कि इनका जो अनुपात है वो कितना है लेमडा अनुपाते वन है, तो पहली इक्वेशन में आते हैं दोनों का योग निकाला जाए
तो दोनों का योग आ जाएगा लिम्डा प्लस वन बराबर माइनस का पी, लिम्डा प्लस वन बराबर कितना, माइनस का पी। अच्छा, और लिम्डा इंटू वन यानी कि लिम्डा बराबर कितना हो जाएगा क्यू, ये पहली इक्वेशन से हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन के साथ आइएगा, दूसरी इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, यहाँ पे दोनों का जो योग होगा सम ऑफ जो रूट्स होगा वो माइनस एल के बराबर आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। अच्छा, मूलों का गुणनफल कितना आ गया, एम आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में अनुपात निकालना है। हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर चाहिए हमको, है ना, पी स्क्वायर चाहिए। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, वर्ग कर दें, यानी कि हम यहाँ पे ले लें लिम्डा प्लस वन का स्क्वायर पहले वाले का, और दूसरे वाले का भी क्या ले लें, लिम्डा ले लें। हमने ऊपर वाले का वर्ग कर दिया, तो ये बराबर आएगा किसके, लिम्डा प्लस वन का वर्ग इधर भी ले लिया जाए और इधर भी लिम्डा ले लिया जाए, दोनों तरफ हमने ले लिया है, ये दोनों क्या हैं, बराबर होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो लिम्डा प्लस वन का वैल्यू रखेंगे, माइनस का पी है तो पी का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। इस वाले लिम्डा के पास क्यू रख दीजिए, और इधर वाले लिम्डा प्लस वन के साथ माइनस का एल, यानी कि वो एल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या करिए, एम रख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये आ जाएगा पी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एल स्क्वायर क्यू, है ना। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हमको दिया गया है डी, डी नंबर का जो विकल्प है एकदम डिट्टो, सेम टू सेम, यानी कि दसवें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, एक काम करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा, एक तो हमें चाहिए ये कौन सा, 4 घात है, तो क्या हो जाएगा, मूलों का आप योग निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, तो कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, मतलब कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिनमें सबको जोड़ने पे कितना आ जाए, माइनस का 4 आ जाए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू गुणनफल क्या होता है, ई बाई ए, ई कितना दिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ई का मान कितना है, 9, मतलब सभी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 4, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 9। तो देखते हैं इनको सबको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 1, 2, ये तो 6 हो जाएगा, 4 आना चाहिए, मतलब पहला विकल्प नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, जोड़िए सभी को, तो माइनस का 2 आएगा, ये भी नहीं होगा, तीसरे विकल्प में तो कोई संभावना नहीं है, आई प्लस आई 2i+2 यानी कि 2 × i+1 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, मतलब चौथा विकल्प पक्का होगा। चलिएगा, जोड़िए सभी को, कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और ये माइनस के 6 हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 4 बचेगा, तो ये हो गया, जोड़ने पे कितना आ गया, माइनस का ये 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, जोड़ने पे ये माइनस का 4 आ गया। गुणा कर लीजिए, 1 × 1 × −3 × में आ जाएगा −3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। बिल्कुल सही जवाब है 8वां का डी, और 11वें का जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जोड़ने पे −4 आ रहा है, गुणा करने पे 9 आ रहा है, मतलब यही क्या होंगे, इसके इक्वेशंस के रूट होंगे, है ना, 2 pair of equal roots वो दिए गए हमको, हमने निकाल दिया ऑप्शन से ही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो 2 − i है, ठीक है, एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, देन द अदर रूट, हमको दूसरा रूट चाहिए। तो देखिएगा, हमने मूलों का गुणनफल पढ़ा है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, तो एक रूट अगर हमको 2 − i दिया है, तो दूसरा रूट हम बीटा लेट कर लेंगे, सी, सी कितना दिया गया है, सी मतलब अचर पद, अचर पद कितना है हमारा 2 − i, और कितना दिया गया है यहाँ पे, बटे ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा i, तो 2 − i से 2 − i काट दीजिए, बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/i, ऊपर नीचे i से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर i आ जाएगा, नीचे i स्क्वायर यानी कि −1 आ जाएगा,
और वीटा की वैल्यू जो मिल गई वो कितनी मिल गई, माइनस का आई मिल गई, माइनस का आई। तो 12 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है कि इफ द इक्वेशन एक्स की पावर 3 प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है अ कॉमन रूट। कह रहा है कि इसका एक कॉमन रूट है, तो जब भी दोनों में क्या करिए, आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करके देख लीजिए क्या एक ही मिल रहा है का वैल्यू की अलग अलग मिल रहा है। तो क्या करिए, यहाँ पे x बराबर 1 रख दीजिए, दोनों से अगर एक ही वैल्यू मिलेगी तो इसका 1 जो है ना एक कॉमन रूट हो जाएगा। चलिएगा x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। दूसरे वाली इक्वेशन में रखा जाए यह आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से मिलने वाला है a बराबर माइनस 2, मतलब कि जो इनका 1 है ना इनका कॉमन रूट है, दोनों का, दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट एक 1 दिया गया है। तो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, कह रहा है कि क्यूबिक इक्वेशन के रूट जो है वो एपी में है, तो ले लीजिए रूट्स को ए माइनस का डी, और ए एक रूट हमने मान लिया ए माइनस डी, और एक ए और एक ए प्लस डी। तो कह रहा है कि इनको जोड़ने पर सम निकाल दो, सम निकालो, सम मतलब तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3a आएगा, है ना भाई, डी डी कट जाएंगे, 3a बराबर माइनस बी बटा ए, तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस 3 बटा 2, कितना आया भाई, इस 3 से 3 काट दीजिए, a बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/2, तो यानी कि जो एक रूट है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ए एक रूट है कि नहीं इसका, वो 1/2 आ गया, और सी वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना, एक रूट हमको मिल गया, एक ही रूट निकालना था, एक मैच कर गए हम, छोड़ दिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का अगर एक मूल 4 हो, अच्छा आपको पता है एक मूल अगर 4 है ना कितना भाई, क्वेश्चन हमको दी गई है स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना, का एक जो रूट है एक मूल है वो क्या है, एक मूल क्या है, 4 है। अगर एक मूल 4 है तो x बराबर 4 रखने पर इसे संतुष्ट करेगा, रख दिया जाए कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेके 0 के बट्टे में भेज दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस p हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, p बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अच्छा ये पी का जो वैल्यू आ गया वो माइनस का 3 आ गया, ठीक है, पी का वैल्यू माइनस 3 आ गया। अब उठा के रख दिया जाए यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन में, पी की वैल्यू रख दें और हमको क्यू का मान चाहिए, तो कितना आ जाएगा भाई, इक्वेशन हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 3 7, ये आ जाएगा माइनस का 7x प्लस का क्यू इक्वल टू 0। दोनों के मूल बराबर हैं, मूल बराबर मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर कितना, तो पी का वैल्यू कितना है, माइनस का 7, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 का वर्ग करेंगे तो 49 बराबर 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू क्यू, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49/4, यानी कि 15 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमको रियल सॉल्यूशन बताने हैं कितने होंगे। देखिएगा ये लिखा है एक्स माइनस का 3 बटे में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 3, माइनस का हो जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, इन दोनों को काट दीजिए, कट जाएंगे दोनों से, बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3 आएगा। देखिए एक्स बराबर 3 इसको संतुष्ट करता है कि नहीं, रखा जाए यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहला वाला टर्म 3 हो जाएगा माइनस 3
तीन बटे तीन का स्क्वायर नौ माइनस नौ, और इधर आ जाएगा तीन का स्क्वायर और नौ माइनस कहीं भी नौ। तो देखिएगा यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो से बाहर अनडिफाइंड आ जाएगा और इधर भी अनडिफाइंड आ जाएगा, मतलब ये परिभाषित नहीं है एक्स बराबर तीन के लिए। चलिए एक्स बराबर तीन इससे संतुष्ट नहीं करेगा, परिभाषित होना जरूरी है क्योंकि रियल रूट क्या होंगे, परिभाषित रूट होंगे, है ना। तो वास्तविक हलों की संख्या इसमें नहीं होगी कुछ भी, यानी कि x का मान कोई भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या होगा, वास्तविक हलों की संख्या यहाँ पे शून्य हो जाएगी क्योंकि तीन इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, अपरिभाषित दे रहा है ना। तो 16 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नंबर आपका सोल्यूशन, आपका सेट, आपका रियल नंबर। चलिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा मॉडुलस एक्स का स्क्वायर प्लस, इससे आप पांच मॉडुलस एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस छः बराबर जीरो करिएगा गुणनखंड इसके, वो आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे तीन मॉडुलस एक्स प्लस दो मॉडुलस एक्स प्लस का छः इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स इंटू हो जाएगा मॉड एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे प्लस का दो ले लेंगे कॉमन की मॉड एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से हमको दो फैक्टर मिलेंगे, एक आ जाएगा मॉडुलस एक्स प्लस थ्री और एक मॉडुलस एक्स प्लस टू, यानी कि यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का तीन और मॉड एक वैल्यू और आ जाएगी कितनी माइनस का दो। और आपको पता है कि किसी भी संख्या का जो मॉड है वो ऋणात्मक नहीं होता है ना, किसी भी संख्या का मॉड जो होगा वो ऋणात्मक नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हो जाएंगी, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, असंभव हो जाएंगी, इम्पॉसिबल हो जाएंगी। बात समझ में आई, किसी भी संख्या का मॉड हमेशा एक पॉजिटिव संख्या होती है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रियल नंबर नहीं होगी जो इसे संतुष्ट करे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 में भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ रूट्स, पहले रूट निकालिए फिर उनकी चार घात करके सबको जोड़ देना है, वो हमको पूछा गया है। चलिएगा देखिएगा, ये क्वेश्चन हमको गिवन है, क्या दिया गया है, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर तीन, ये माइनस का सात एक्स स्क्वायर दिया है, लेकिन इसको सात और मिल जाता तो काम हो जाता आसान। तो एक काम करते हैं, छः है ना, हम छः को सात बना देते हैं, हमने छः को सात बना दिया और एक वन घटा देंगे, ये एक्स हो गया और एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है, बात एकदम क्लियर हो चुकी। हमने क्या किया, छः में एक जोड़ा तो ये सात हो गया और एक घटा दिया, इक्वेशन मेंटेन है। दो दो का पेयर बना लिया जाए, हमने यहाँ से आप कॉमन लीजिए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हम अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन, माइनस का सात कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या हुआ, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, और आगे आएंगे तो ये है एक्स माइनस का वन इक्वल टू जीरो। दो फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स बराबर वन आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस का सात एक्स माइनस का सात प्लस एक इक्वल टू जीरो। ये एक्स क्यूब हो गया हमारा, और ये कितना हो गया, माइनस का सात एक्स हो गया, दूसरा वाला फैक्टर अब सोचा जाए इसके बारे में, और देखते हैं। एक काम करें, एक्स क्यूब प्लस वन को एक जगह रख दिया जाए, रखेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स प्लस वन, दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसमें कॉमन ले लिया जाए क्या, माइनस का सात, तो ये आते हैं एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का वन, अच्छा दूसरे वाले कितना हो जाएंगे गुणनखंड, देखिएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन माइनस का सात इक्वल टू जीरो, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का छः इक्वल टू जीरो। यहाँ से इनके भी फैक्टर करिएगा, एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तीन मिलेगी, और दूसरी क्या मिल जाएगी, माइनस का दो मिल जाएगा। हमको यहाँ पे चार रूट मिल चुके हैं, इन चारों रूटों की पावर चार निकाल रखिए और सबका सम। तो पहले वाला रूट क्या है, वन, तो वन की पावर चार कर दीजिए प्लस, दूसरा वाला रूट क्या है, माइनस वन, इसकी पावर भी चार कर दीजिए,
तीसरा रूट क्या है, 3 की पावर 4 कर दीजिए, चौथा रूट है -2 और इसकी पावर में भी क्या करिए 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 + 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, सबको जोड़ दिया जाए ये हो जाएगा 18, 81 + 18 कितना हो जाएगा ये 99 आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 का। आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है किसी इक्वेशन के टू रूट्स का जो सम है ना, निकालते हैं इसका सम, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा वो सम कह रहे हैं 4 है, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमको निकालनी है। एक काम करते हैं, इसके सभी रूट्स का जो सम हो जाएगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -b/a -8/1, तो माइनस -8/1 यानी कि ये 8 आ जाएगा। इसने दिया है कि दो रूट का जो सम है वो कितना है ना, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि वो अल्फा और बीटा दो रूट हैं जिनका सम हमको 4 दिया गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दो मूलों का योग कितना दिया गया है 4, तो इसका मान 4 रख दिया जाए, 4 प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि गामा प्लस लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 4 ही गिवन है। अच्छा दूसरा देखा जाए, इसके बाद एक रिलेशन हमने और पढ़ा है, क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a यानी कि हो जाएगा 19/1। अब एक छोटा सा काम करना है यहाँ पे हमें, देखिए जहाँ जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बन रहा हो उसे बना लिया जाए, इनमें गामा अगर कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और यहाँ पे अगर हम गामा कॉमन लेंगे तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, बना लिया जाए तो ये तो चुपचाप इन दोनों को रख दिया जाए, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है इनमें दोनों में हमने कॉमन लिया गामा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे हमने डेल्टा कॉमन लिया तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 19। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दीजिए 4, या एक काम कर लीजिए यहाँ पे अल्फा बीटा ये गामा डेल्टा हो गया, प्लस का आप अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना 19, और इन दोनों की वैल्यू हमको दी गई है तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू 4 × 4 यानी कि 16 हो जाएगा, 19 - 16, 19 में 16 गए वो 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। एक रिलेशन हमने और पढ़ा है, हमें पहुंचना कहां तक है 4 लेमडा तक पहुंचना है, तो लेमडा के लिए हमने एक रिलेशन और पढ़ा है, क्या अब 3-3 करके मूल ले लीजिए, उनका योग निकालिए, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, ये आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ये होता है -d/a, तो कितना हो जाएगा -4 λ/1, तो माइनस के ये 4 λ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, अब समझने की कोशिश की जाए, इन दोनों को एक साथ रख लिया जाए और इन दोनों को एक साथ रखा जाए तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो अल्फा बीटा आएगा, बचेगा क्या गामा प्लस डेल्टा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, गामा कॉमन है और डेल्टा कॉमन है, तो आप गामा डेल्टा कॉमन लीजिए, गामा और डेल्टा कॉमन लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा इक्वल टू कितना -4 λ। ठीक है, देखिए अल्फा गामा दोनों जगह पे है ना, यहाँ पे 4 वैल्यू रखी जाए, इसकी भी वैल्यू 4 रखी जाए, 4 ले लेंगे हम कॉमन, तो कितना आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू में कितना, ये आ जाएगा -4 λ, 4 से 4 काट दीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू जो आई वो 3 आई है, कितनी आई है 3, बराबर आ जाएगा -λ,
और लेमडा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एल इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट। एक काम करो, यहां पे भी एक्स इक्वल टू वन उठा के रख दीजिए। देखिए दोनों से एक ही वैल्यू आ रही है क्या, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एल एक्स एल एल प्लस एम, जहाँ पे एक्स है वहाँ 1 रखना, इज इक्वल टू 0, यानी कि एल प्लस एम इज इक्वल टू कितना माइनस का 1 आ जाएगा। अगले वाले के पास भी चलेंगे, एक्स बराबर 1 उठा के रखेंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस एम प्लस एल इक्वल टू 0, यानी कि एल प्लस एम बराबर यहाँ से भी आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ से भी आ जाएगा माइनस का 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 में जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। ये लिखा हुआ है x, देखिए ये तो ना तो tan का है, ना ये sin का है, ना cos का है, d के साथ जाएंगे, लेकिन है किसका ये भी तो देख लिया जाए। चलिएगा यहाँ पे हम रखते हैं, पहले तो एक सूत्र देख लिया जाए। ये पढ़ा होगा हमने log 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, x माइनस, फैक्टोरियल नहीं है किसी में ना, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट तक जाएगी ये सीरीज। अगले के पास आइएगा, यह आ जाएगा लॉग में 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे दो माइनस एक्स क्यूब बटे तीन माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट तक जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाए, है ना। अब देखिए जोड़ेंगे नहीं, हमें घटाना होगा, है ना, घटाना होगा, क्योंकि हमें ये वाले चाहिए, एक्स और एक्स क्यूब वाले टर्म चाहिए, मतलब ये कटने चाहिए। कौन से? स्क्वायर वाले, सम पावर वाले कटने चाहिए, तो सेम है तो घटा दीजिए, प्लस 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 प्लस, और ये, अरे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सभी माइनस के होते हैं ना, तो ये सब प्लस के हो जाएंगे। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास बचेंगे क्या, एक्स और एक्स, टू एक्स बचेंगे, इसी तरह से टू एक्स क्यूब बाई थ्री बचेंगे, टू एक्स की पावर 5/5 बचेंगे, तो टू ले लीजिए कॉमन, यहाँ भी घटाएंगे तो, यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा लॉग क्या 1 प्लस एक्स बट्टे 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, दो ले लीजिए कॉमन, दो लेंगे कॉमन तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर 5/5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 1/2 को इधर बट्टे में भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 में लॉग आ जाएगा 1 प्लस एक्स बट्टे 1 माइनस एक्स बराबर कितना एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री और एक्स की पावर 5/5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 21 का जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ना 22 को देखा जाए, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा था कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये दिया गया है। एक काम करते हैं, हमको योग निकालना है इन सभी का, तो दो तरीके हैं, हम इसे योग निकाल सकते हैं वैसे भी, लेकिन और एक आसान तरीका है कि इसका एक पद लेके पहले वेरीफाई कर लो। हम n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेंगे तो इस श्रेणी का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पहला पद लीजिए बस, वो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पे जो ऑप्शन आपको 1 दे दे वो करेक्ट होगा। चलिएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ आइएगा, 1/3 गुड़े 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/3 गुड़े 1 गुड़े 3, 3 से 3 काट दिया जाए 1 मिल गया। अगले वाले ऑप्शन के साथ आइए, देखिए यहाँ पे 2 गुड़े 1 अंदर कितना आया है 3, ये 6 आएगा, है ना, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसकी संभावनाएं हैं। तो ये वाले का देखिएगा क्या आएगा, ये भी आएगा 3 गुड़े 1 और अंदर भी 3 आएगा 9, मतलब इसकी भी संभावनाएँ नहीं हैं। ये कितना आ जाएगा 1/2 गुड़े 1 इंटू 4 माइनस 1 यानी कि 3, ये भी आ गया 3/2, इसकी भी संभावनाएं नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला ऑप्शन हमको n बराबर 1 रखने पे 1 दे रहा है, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इसका सम, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज, हमें इस सीरीज का सम निकालना है। अगर इसका हम टी एन निकालेंगे, इसका एनवा पद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टी एन बराबर आ जाएगा कितना, एक का स्क्वायर है यानी कि एन स्क्वायर हो गया, और फिर एन प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एन फैक्टोरियल, है ना। चलिएगा कैलकुलेट किया जाए, ऊपर वाला एक एन कट जाएगा, एन रहने दीजिए, और इसका एन प्लस वन का एक एन कट जाएगा नीचे, जब आप एन को लिखें, एन फैक्टोरियल को लिखेंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल तो कट जाएगा, हमने मान लिया वो कट गया, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस का टू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एन माइनस का वन फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए ये हो गया, मेंटेन करेंगे, इसे मेंटेन ही करेंगे, वही विकल्प है अब अपने पास, करते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब बटे में कितना आ जाए, सभी में क्या करिए, बटे में कर दीजिए एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एन माइनस वन है नीचे ना, ऊपर भी एन माइनस वन बनाया जाए, तो एन क्यूब के साथ अगर एक घटा दें तो एन माइनस वन आने की संभावनाएं हैं, इसके साथ दो घटा दें तो आने की संभावनाएं हैं ऐसा। अच्छा, इस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, वन नहीं बचेगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे चार जोड़ रहे हैं, चार घटा रहे हैं, तो जो हम घटा रहे हैं उनको एडजस्ट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन क्यूब माइनस वन, एक हमने ये ले लिया, प्लस टू लिया कॉमन, और ये आ गया एन स्क्वायर माइनस का वन, बटे में कितना हमारा है, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और इसके भी बटे में आएगा एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने कर दिया, और फिर क्या हुआ, ये चार घटाए थे ना, तो एक यहाँ एडजस्ट हो गया, दो माइनस यहाँ एडजस्ट हो गया, एक और बचा, एन माइनस वन बटे एन माइनस का वन फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। आगे प्लस जो चार जोड़े थे, तो ये चार बटे एन माइनस का वन फैक्टोरियल ये बन गया। ठीक है, अब इनके पास आते हैं, ये कितना हो जाएगा, एन क्यूब माइनस वन को फैक्टर करेंगे, एन माइनस वन हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन नीचे वाले से कट जाएगा, वो बचा एन स्क्वायर प्लस का एन प्लस का वन डिवाइडेड बाई कितना, अब आ गया ये एन माइनस का टू फैक्टोरियल, प्लस ऊपर देखो एक फैक्टर आ जाएगा एन माइनस वन और एक आ जाएगा एन प्लस वन, तो टू आ जाएगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन माइनस का टू फैक्टोरियल, प्लस एक बटे ये भी आ जाएगा एन माइनस का टू फैक्टोरियल, प्लस ये आ जाएगा चार बटे एन माइनस का वन फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा हम जब समेशन लगाएंगे ना, तो ये जो इधर वाले टर्म्स हैं ये ई बन जाएंगे, कितना बनेगा, ये तो ई बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये चार ई बन जाएगा। ठीक है, इधर को हमने निपटा लिया, इसके साथ आते हैं, ये लिखा हुआ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के साथ ना हमको चार जोड़ना पड़ेगा और चार घटाना पड़ेगा, तो हमने चार इसको जोड़ दिया, एन स्क्वायर घटाने वाले को इसको हमने साथ में दे दिया, एन स्क्वायर माइनस फोर बटे कितना आ जाएगा, ये एन माइनस का टू फैक्टोरियल, और जो हमने जोड़ा है वो चार बटे एन माइनस टू फैक्टोरियल बनेगा, और वो चार ई आ जाएगा जब हम समेशन करेंगे तब। ठीक है, अब देखो एन माइनस टू, एन माइनस टू को हम क्या करेंगे, इसको एन माइनस टू दीजिए और दो जोड़िए दो घटाइए, जो घटाएंगे नीचे एडजस्ट हो जाएगा, और वो आ जाएगा कितना, एन माइनस टू बटे एन माइनस टू फैक्टोरियल, एन माइनस टू खत्म हो जाएगा, तो एक बटे एन माइनस थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा। अच्छा, जो जोड़ा है वो 2e हो जाएगा, वो 2e हो गया। आगे ये दिया गया एक बटे एन माइनस वन, ये हमने क्या किया, एक तो ये तो चार ई इसका था, और ये क्या है n माइनस टू बटे एन माइनस टू फैक्टोरियल, वो कितना हो जाएगा, एक बटे एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, यानी कि वो समेशन करने पे e देगा। अच्छा, फिर क्या किया, हमने दो घटाया था तो दो जोड़ना भी पड़ेगा, तो 2e हो गया। प्लस आगे ये तो चार ई था हमारा, फिर क्या किया, एक इसके साथ क्या किया हमने, ये एन स्क्वायर था, ये चार ही हो गया, हमें क्या इसके साथ दो जोड़ना है, दो घटाना है ना, तो ये एन माइनस टू हो गया, तभी तो दो घटा, तो जो घटा तो वो तो निपट गया उसके साथ, तो वो ई आ गया, और जो जुड़ा वो टू ई हो गया, और ये देखो एक बटे एन माइनस वन फैक्टोरियल है, ये ई बन जाएगा। अच्छा, ये ई बन जाएगा। अब आइए इसके साथ कितना है, टू
कितना n प्लस वन बटे में कितना लिखा गया है, वो लिखा गया है n माइनस टू फैक्टोरियल, n माइनस का 2 फैक्टोरियल। एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 2n, 2n ये हो गया, ठीक है। इसको 4 घटा दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, और ये क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 2 बटे n माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है। और ये भी हो जाएगा बटे में कितना, n माइनस टू फैक्टोरियल। इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2 लेंगे कॉमन, n माइनस टू आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, n माइनस टू और ये n माइनस थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, ये 4 बटे हो जाएगा 4 बटे n माइनस टू और 2 बटे n माइनस टू, यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमको कितना, 6 बनेगा वो, 6 बटे n माइनस टू, यानी कि 6e बन जाएगा वो। इन दोनों को काट दीजिए, ये 2e बन जाएगा, यानी कि टोटल हो गए कितने, 8e, 2e और 6e, 8e। तो हमने ये 8e रख दिया, इसको हल करने पे 8e आया है, और ये कितना है, ये e आया है, और ये कितना आया है, 4e आया है। सबको जोड़ लिया जाए, 4 एक 5, 8 5 13, 13 और एक 14, 14 और 2 16, 17, 17 4 कितने हो गए, 21, ये हो गए 21, है ना, 21e ये हो गए, और इनके साथ आइए, ये हो जाएगा n माइनस का कितना, n माइनस का 2, n माइनस का 2 और n प्लस 2 बटे में कितना हो जाएगा, n माइनस का 2 फैक्टोरियल दिया गया है। तो इसे आप करिए एक काम, n माइनस 2 और इसे खोल दीजिए, n माइनस 3 हो जाएगा फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब कितना बचा हमारे पास, ये आ गया n बटे n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 अपान n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये तो 2e और बन गया, 21e तो पहले से थे, 21e ये थे, 2e हो गया, यानी कि 23 हो गए ये। अच्छा, ये कितने हो गया, n माइनस 3 घटा दीजिए, n माइनस 3 बटे में आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस, देखिएगा ये कितने हो गए, अब ये हो गए हमारे पास 23e, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे, अच्छा 3 जो घटाएं तो 3 जोड़ना भी पड़ेगा, तो 3 बटे n माइनस 3, तो ये 3e और बन गए, 3e और बन गए, और ये 1e बन जाएगा, ये आ जाएगा e, जब काट देंगे n माइनस 4 आ जाएगा, 1 बटे n माइनस 4 फैक्टोरियल, e प्लस 23e प्लस 3e, तो कितने हो जाएंगे ये, 27e हो जाएंगे, यानी कि 23 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, 27e आएगा इसको जोड़ने पे, चलेगा, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, 24 हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीरीज, कह रहा है किसके 10 पदों का जो सम है वो कितना होगा, बताना है हमको, देखिएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 प्लस 1 बटे 7 गुणे 11 प्लस 1 बटे 11 गुणे हो जाएगा ये 15 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, 10 पदों तक चाहिए। तो लास्ट वाला पद पता कर लेते हैं, 3 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट, देखिए दसवां पद इसका निकालिए, T10 निकालिए, कितना हो जाएगा A, मतलब 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 4, 3 प्लस 36 39 आ जाएगा, कितना 39, यानी कि लास्ट में क्या हो जाएगा, 39 गुड़े 4 जोड़ दीजिए 43, ये बन जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा इस सीरीज को हम लिखना चाहते हैं, लिखिए, लिखना चाहेंगे 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 7, तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 बटे 21, अच्छा इसका मतलब कि हमें 1 बटे 4 से भाग देना पड़ेगा ये सीरीज बनाने के लिए, तो हमने 1 बटे 4 से यहाँ पे भाग दे दिया। अब करिए कैलकुलेट, कितना हो गया, 4 7 माइनस 3 4 बटे 21, तो 4 काट देगा तो 1 बटे 21 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले को भी इसी तरह से लिखा जाए, ये भी हो जाएगा 1 बटे 7, 1 बटे 7 माइनस 1 बटे 11 प्लस 1 बटे 11 माइनस 1 बटे 15 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में आएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 39 माइनस 1 बटे 43, तो देखिए जो कट रहा उन्हें काट दिया जाए, है ना, 1 बटे 7 से 1 बटे 7, 1 बटे 11, 1 बटे 13, इस तरह से जो भी होगा इससे पहले ये कट जाएगा, बचेगा क्या, स्टार्टिंग वाला टर्म बचेगा और लास्ट वाला टर्म बचेगा 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 43, एलसीएम लेंगे 1 बटे 4, 43 माइनस 3 यानी कि ऊपर हो जाएगा 40 बटे
ये आ जाएगा 129, काट दीजिएगा 10 बचेगा, 10 बटे 129 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 24 में, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। 25 में कह रहा है कि ये दिया गया है सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज हमको निकालनी है। तो देखिएगा इस तरह के प्रश्नों में ना जो TN होता है ना, पहले तो TN निकालिए, और जो इसका बड़ा वाला TN होता है वो क्या होता है, सिग्मा TN होता है। तो TN पहले निकालिए, सिग्मा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1+1। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी एक टर्म ले लीजिए, उसका निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1+2+3, 1/2, लास्ट वाला टर्म ले लिया करो बस, 1/2 एन इंटू n+1 बटा कितना हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल है ना, हाँ n+1 फैक्टोरियल हो गया, ये इसका nवां पद आ गया। एक काम करते हैं, काट लेते हैं, 1/2 एन, ये फैक्टोरियल है साथ में, n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक तो n+1 हो जाएगा, और पाछे जाएंगे तो वह n आएगा, और आगे क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आया क्या हमारे पास, 1/2 1/(n-1) का फैक्टोरियल है ना, और ये e के बराबर हो जाएगा। जब भी हम इसको सिग्मा लगा के सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 e, है ना, e by 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आज का सफ़र यहीं तक, कल करेंगे हम 26 से लेके 50 तक के प्रश्न। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।